कम इन स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट बावड़ी गैंड सोनू कम इन। अरे कीत मर गया, अरे सारे मूत बाद में लिए जब भी पारा खाया मूत करे। अरे बात सुने, हाँ ज़्यादा ना उस पेड़ के पीछे छुपकर है, हाँ ना ज़्यादा बाहर ना निकाले अपनी बोंडी जी शक्ल है तेरी दूर से चमके है। अरे न्यू एक काम करिए, बबीता ना यहीं से निकलेगी, मुझे क्या क्या निकली है कि वो जॉगिंग पर जा रही है लेकिन वो झूठ बोले है, वो टिकटॉक बनाया बैठे बैठे अपनी सहेली के साथ और फिर जाके 3 प्लेट छोले भटूरे खाए ओवर ईटिंग करे। तैने एक काम करना, जैसे ही वो ओवर ईटिंग करने शुरू करे, जैसे ऑर्डर करे वो छोले भटूरे पीछे जाके धर लिए, ठीक है, और पैसे वापस ना लिए, बावड़ी एंड अपने लिए पैक करा लिए उसी के पैसे से, ठीक है, ओवर एंड आउट। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। लास्ट वीक भुज के VFX देखने के बाद मेरी सीधी आँख की दृष्टि ने बोला कि हम तो चले, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, ये है ऑनेस्टली सेइंग। एक तो यार मैं सही सही बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे यार गांड फाड़नी बंद करो, इंटरनेट पे रूमर्स फैला के गांड फाड़नी बंद करो। ये इसका क्या मतलब हुआ कि लैटरीना वेड्स विक्की कौशल है? किसी ने तो कभी सोचा है कि भाई के फैंस को कैसा लगेगा? इतना बुरा लगा मुझे, पता है, आई फील सो मच इमोशन इन माई हार्ट एंड टीयर इन माई आई, आई एम मैसेज भाई ऑन इंस्टाग्राम, आई एम मैसेज भाई कि भाई विक्की को उठा के अपनी डिक्की में डाल के उसकी टिक्की बना दो। So guys, इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स हैज फाइनली अराइव्ड। एंड ऑनेस्टली सेइंग गाइस, ये पिक्चर थिएटर में देखने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में आई कि क्या होता है जब तुम्हारे पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला हो जो लिया गया हो पिक्चरों से, जैसे स्पेशल 26 हो गई या बेबी हो गई, इन दोनों का ट्राइड एंड टेस्टेड जो फार्मूला है और बहुत अच्छा फार्मूला है, वो बुरा फार्मूला नहीं है, उसको लेके एक पिक्चर बनाई जाए जिससे बड़ी स्ट्रॉन्ग सेम वाइब्स आए उन्हीं दोनों पिक्चरों की, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम उसके अंदर हार्ट ना डालो, तुम उसके अंदर कुछ नया ना डालो, तो क्या होता है? एंड बेल बॉटम इज एग्जैक्टली दैट। ओके, आई अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल, व्हाट इज हिज कोड नेम? सो राइट ऑफ द बैट गाइज, बेल बॉटम एक बहुत अच्छी वन टाइम वॉच है। जी हाँ, वन टाइम वॉच मूवी है ये। इनफैक्ट ये एक ऐसी पिक्चर है जिसके आगे पीछे की मार्केटिंग मशीनरी बहुत ही जबरदस्त तरीके से फंक्शन कराई गई थी। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया पर भी दबा के इसको प्रमोट किया, बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई, एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी हुई, एंड इसी के चलते लोगों की होप्स बहुत हाई हो गई कि भैया अक्षय कुमार लग भी बहुत स्टनिंग रहे हैं पिक्चर के अंदर, तो काफी कुछ हमें नया देखने को मिल सकता है। ये ले पहुंच। जब आप जाओगे इस पिक्चर को देखने, जब आप इसको देखोगे, देन यू वुड बी लाइक कि हाँ यार अच्छी है पिक्चर, एक बार देखी जा सकती है, बट देयर इज नथिंग इन दिस मूवी दैट वुड एक्चुअली स्टिक टू योर कॉन्शियंस। और तुम्हारे को ये लगेगा कि भाई तुम जब वॉकआउट करोगे इसको देखने के बाद, तुम 2-3 घंटे के बाद यू वुड बी लाइक यार ठीक है अच्छी थी पिक्चर, कुछ ऐसा नहीं था दैट यू वुड बी गोइंग आउट एंड टेलिंग योर फ्रेंड्स यार जा देख क्या क्या मूवी है, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड विद शेरशाह। क्या सोचा? So the movie is inspired by the true events of plane hijackings that took place between 1979 to 1984. ये पिछले 5 साल में 7 हाईजैकिंग है। What have we done to stop it? और यहाँ पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाली और समझने वाली बात ये है कि ये जितनी भी हाईजैकिंग्स हुई थी, इनका जो सॉल्यूशन था वो बेसिकली बॉइल्स डाउन टू नेगोशिएशन। हर बार नेगोशिएट करना पड़ता था और इसी नेगोशिएशन के अंदर जो अपर हैंड रहता था वो हमेशा ज्यादातर हाईजैकर्स का रहता था, क्योंकि उनकी सारी डिमांड्स मीट हो जाती थी। नंबर वन, उनके साथ ही साथी भी छोड़ दिए जाते थे, उनको पैसा भी मिलता था और साथ ही साथ उनको एक सेफ पैसेज भी दे दिया जाता था। और इस पिक्चर में एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन दिखाया है जहां पे रॉ आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेती है कि भैया इस बार हम अपने घुटने नहीं झुकाएंगे, इस बार हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, बट वी विल एक्चुअली गो एंड टेक अ डायरेक्ट एक्शन, एंड दैट इज द बेसिक स्टोरी ऑफ दिस मूवी। क्या कर सकते हैं? अ कोवर्ट ऑपरेशन। एक और चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी वो थी एक बहुत ही माइन्यूट सी डिटेलिंग इस पिक्चर के अंदर, और वो थी द प्रेजेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर आरएन काव। रामेश्वर नाथ काव वाज वन ऑफ द फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ रॉ एंड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ रॉ, और वो इंदिरा गांधी के साथ पूरी की पूरी पिक्चर में जब आप देखोगे एक शैडो फिगर की तरह रहते हैं, एक सलाहकार की तरह रहते हैं जो हमेशा सूटेड बूटेड रहते हैं और एक सनग्लासेस टाइप लगा के रखते हैं, बट वो ज्यादा बोलते नहीं है, ही वुड ऑलवेज बी लिसनिंग। तो वो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि भैया ये कोई डीपली एम्बेडेड स्पाई है, एंड दैट इज दैट गाय। मैडम, हाईजैकर्स ने प्लेन अमृतसर में लैंड किया है। और जैसे कि आपको पता है लारा दत्ता के मेकअप ने पहले ही हेडलाइंस बनाई थी, और इस पिक्चर को जब आप देखोगे यू वुड बी कंप्लीटली ब्लोन अवे कि कितनी अच्छी मेकअप जॉब करी गई है पिक्चर के अंदर। व्हाट इज हिज नेम? Your deadline is sunset. बहुत अच्छी तरह से डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। इनफैक्ट उन्हीं के नहीं, सबके, जितनों के मिनिमल मेकअप्स भी थे उनका भी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया बहुत ज्यादा कर दिया है, कम कर दिया है। जैसे आपने यार उस पिक्चर में देखा था, वो अर्जुन कपूर की कौन सी थी, सरदार ऑफ ग्रैंडसन, या फिर वो द गर्ल ऑन पंचर स्कूटी, उसकी परिणीति चोपड़ा की, जहां पे मेकअप पे 2 रुपए का ध्यान नहीं दिया। इस मूवी में मेकअप इज राइट ऑन पॉइंट। एंड येट अगेन अक्षय कुमार एज अ रॉ एजेंट लुक्स एक्सट्रीमली हैंडसम, बहुत ही बढ़िया वेल फिटेड सूट्स हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हेयर डू करा गया है उनका, मूंछें एक दो जगह नकली
नकली हैं, लेकिन आप देख के नहीं बता पाओगे कि वो मूछें नकली हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पिक्चर में असली मूछें हैं, बट मेकअप अगेन जैसे मैंने बोला था, मेकअप पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। एंड अक्षय कुमार एक्चुअली फिट्स इन सो परफेक्टली कि वो ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि वो रॉ एजेंट नहीं है एक असली में भी। शादीशुदा, शार्प मेमोरी, नेशनल लेवल चेस प्लेयर, यूपीएससी दिया है, गाना सिखाता है हिंदी इंग्लिश जर्मन। बट यही तो प्रॉब्लम है कि ये चीज हम पहले देख चुके हैं। उनका बेबी में रोल था, उनका स्पेशल 26 में रोल था, उनकी मूछें वैसी थी, हेयरडू भी वैसी था, चाल ढाल भी सब कुछ वैसी ही थी, ऑलमोस्ट गेटअप भी वैसा ही था। बट देन अगेन देयर इज नथिंग न्यू हियर। अनदर गुड थिंग अबाउट द राइटिंग इन स्पेसिफिक ऑफ दिस मूवी इज द फैक्ट कि तुम्हें लगेगा कहीं कहीं जगहों पर कि अब ये होने वाला है, ये होगा या ये हो सकता है, अक्षय कुमार ने ये बोला है तो ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, चेस में डबल्स नहीं खेला जाता। कहीं कहीं जगहों पर तुम एक्चुअली गेस कर लो क्या होने वाला है और वो होगा भी, बट वो सारी पिक्चर में नहीं है, थ्रू आउट द मूवी वो नहीं है। कई कई जगहों पर बहुत अच्छी तरह से थ्रिल है, कई जगह जगहों पर ट्विस्ट बहुत बढ़िया तरीके से दिए गए हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली लाइक। दे आर द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस हाईजैक। सो गाइस, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स इस मूवी के बारे में मैंने डिस्कस करे, ये सब होने के बाद भी ऐसा क्यों है कि बेल बॉटम एक इंपैक्ट नहीं लीव कर पाती आपके ऊपर, आपके कॉन्शियस के साथ स्टिक क्यों नहीं हो पाती? हारते बहुत हैं यार ये लोग। फॉर एग्जाम्पल द हाईजैकर्स, अब जो हाईजैकर्स हैं भैया उनको रूथलेस दिखाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए भाई प्लेन में घुसे किसी की कनपट्टी पे उन्होंने बंदूक लगा दी, 200-300 लोगों को डरा के रखा हुआ है, तो वहाँ इंटेंसिटी लगे, वहाँ पे ऐसे शॉट्स लगे कि तुम्हारे को दहशत महसूस हो कि भैया अब कोई मरने वाला है, बूढ़ी औरत मर रही है चौक को के, किसी बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, कोई बच्चा रो रहा है, ये सारी इंटेंसिटी बिल्ड करती है, वो इन्वायरमेंट है ही नहीं। कट टू कट है मूवी, फास्ट पेस्ड है मूवी, विच इज़ गुड थिंग, बट देन अगेन ये फास्ट पेस्ड एट द एक्सपेंस ऑफ वॉट, किलिंग इंटेंसिटी, एंड दैट कंप्लीटली puts the mood off. सोच को हराने के लिए। दूसरी चीज, गाने क्यों हैं इस पिक्चर के अंदर? किस लिए डाले भैया अक्षय भैया, गाने क्यों डाले इस पिक्चर के अंदर? जस्ट बिकॉज एक बॉलीवुड मूवी है, इसमें गाने डाल दोगे, जितने भी तुम इस पिक्चर में गाने सुनोगे कोई सर पैर नहीं है गाने का। इतना बढ़िया BGM है पिक्चर का, बैकग्राउंड स्कोर इतना बढ़िया है, पर देन गाने आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो एक्चुअली एक डिस्कनेक्ट बना देंगे आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस में। नंबर थ्री, अगर हीरोइंस को, फीमेल एक्ट्रेसेस को पिक्चर में एक ढंग का स्पेस नहीं देना है, एक जस्टिफाइबल रोल नहीं देना है, तो या तो उनको स्क्रीन प्ले में ही मत लो, या तो फिर अगर ले रहे हो तो उनको इस तरह मत लो कि भैया एक पिक्चर है बॉलीवुड में मसाला डालना है तो एक हीरोइन तो होनी चाहिए, हीरोइन के बिना पिक्चर नहीं चलेगी। हुमा कुरैशी का छोटा मोटा काम है, साथ ही साथ दूसरी जो लीड एक्ट्रेस है उसका भी बहुत ही छोटा मोटा काम है, मतलब किसी का भी रोल जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी फीमेल एक्ट्रेस का रोल जस्टिफाइड नहीं है पिक्चर। नो पॉज, नो हेजिटेशन, मतलब सच बोल रहे हो या फिर झूठ बोलने में माहिर हो गया हूं। I love you. और हाँ भैया, मुझे फीमेल एक्ट्रेसेस की बात से याद आई कि भैया कुछ हिंदुस्तानी लॉन्डो ने जियो का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया, उन्होंने आतंक मचा रखा है लड़कियों के DMs में, और इसी के ऊपर मैंने बनाई है एक फनी वीडियो, उस तरह के चैनल पे जाओ और चेकआउट करो यही वीडियो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसका ट्रेलर देखो। गलती से कोई मोहतरमा एक बार, बस एक बार चैट में हाय बोल दे और वहीं हम शुरू कर देंगे अपने औजार की ऑटो एक्सपो। आई शो यू नाउ बिग लॉन्ग। फिर आता है इस पिक्चर का क्लाइमैक्स, वो लास्ट के 20 से 25 मिनट हैं तो थ्रिलिंग, इंटेंस भी हैं, फास्ट पेस्ड भी हैं, बट ऑल इन ऑल जिस तरह से उसको फिल्माया गया है, जो VFXs इन्होंने वहां पे यूज करे हैं, वो बहुत ही अंडरवेलमिंग है। अब बचे हुए फ्यूल से ये लोग मिडीस्ट के 3 पॉसिबल डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, दुबई, अबू धाबी। द एंडिंग, द क्लाइमैक्स कुड हैव बीन ऑन अ लिटिल मोर पेट्रियोटिक साइड, ऑन अ लिटिल मोर अप, आई मीन अपलिफ्टिंग साइड ऑफ थिंग्स, बट वो है नहीं ऐसा। पिक्चर के डायरेक्टर हैं रंजीत तिवारी जी, यहाँ पे उन्होंने कुछ खास नया काम नहीं करा है, कुछ नया नहीं दिखाया है हमारे को, वही सेम फॉर्मूला अपनाया है उन्होंने जो ट्राइड एंड टेस्टेड अक्षय कुमार के लिए, एक अच्छे एजेंट दिखते हैं वो, उनको वैसे ही बना दिया जाए, उनके आसपास ही पूरी की पूरी पिक्चर रिवॉल्व कर रही है। बट अगेन, उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि भैया लोग ये सब कुछ देख चुके हैं बेबी में पहले, उन लोगों को पता है, हमारे को अभी भी हमारी मेमोरी में बहुत ज्यादा फ्रेश है अक्षय कुमार के वो वाले कैरेक्टर्स, सो इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड ही नॉट ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। कंपेयरिंग इट टू शेरशाह वुड बी रियली रॉन्ग, बिकॉज शेरशाह पिक्चर देखते देखते एक इमोशन में, एक फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, बाय द एंड ऑफ दैट मूवी यू वुड बी सो एब्जॉर्ब्ड बाय द इमोशंस ऑफ दैट मूवी कि वो तुम्हारे कॉन्शियस के साथ स्टिक करेगी, तुम उसके बारे में बात करोगे दिनों तक। बेल बॉटम में ऐसा कुछ नहीं है, बॉलीवुड का तड़का डाल दिया है इन्होंने एक रियल लाइफ इवेंट में, जो अगर ये नहीं डालते तो ज्यादा अच्छी लग सकती थी ये मूवी। सो अच्छी है मूवी ऑल इन ऑल, आप
जाके देख सकते हो। इट्स नॉट कि भैया एक बार भी ना देखें, और पिक्चर हॉल में देखनी है या OTT की रिलीज की वेट करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपनी सेफ्टी फर्स्ट रखनी है या कैसे करना है। इफ़ यू थिंक, इफ़ यू फील इट्स सेफ टू गो आउट एंड वॉच दिस मूवी, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच दिस मूवी वंस। बट इसमें कुछ नया एक्सपेक्ट मत करिएगा, इसमें ऐसे मत एक्सपेक्ट करिए कि टट्टे शॉर्ट हो जाएंगे देख के, भाई इतनी बढ़िया पिक्चर है। तो गाइस अगर आप जाके बेल बॉटम थिएटर्स पे देखना चाहते हो, आपकी चॉइस है। अगर नहीं देखना चाहते, ये 5 एस्पियोनाज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे, कोवर्ट ऑपरेशंस पे एक पिक्चरें हैं, ये जाके देख लो इस वीकेंड पे। अ परफेक्ट स्पाई, ब्रीच, बर्न आफ्टर रीडिंग, द डे ऑफ द जैकल एंड द मैराथन मैन। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू बेल बॉटम का। हमने एक्चुअली पहले रिलीज करनी थी वीडियो फास्ट 9 पे जो मैंने देख ली थी, बट फिर से विन भैया ने और उसकी टीम ने सोचा कि उसको आगे पुश कर दिया जाए जो 3 सितंबर पे जा चुकी है। बट उसकी वीडियो बन चुकी है और मैं उसको 3 सितंबर को रिलीज करूंगा, और वहां पे हम देखेंगे कि विन डीजल हाउ क्विकली ही वेंट फ्रॉम बीइंग डीजल टू बीइंग सनफ्लावर ऑयल। टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड आई लव यू।